शनिवार को लोकसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षा भवन में पीठासीन और मतदान कर्मियों के बीच प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा कि गोरखपुर लोकसभा निर्वाचन कराने में जो भी कार्य आप लोग को दिए जाएं, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी और सजगता के साथ करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी निर्वाचन कार्य में क्षम्य नहीं होगी। इसलिए जो भी दायित्व तो आपको सौंपा जा रहा है, उसके विषय में पूरी जानकारी लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही कार्य करें। ये बातें जिलाधिकारी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित लोकसभा उप निर्वाचन के लिए पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान कही। चुनाव को बेहतरी से संपन्न कराने के लिए छोटी सी छोटी जानकारी भी होना अति आवश्यक है। चुनाव के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों की होती है, इसलिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। प्रशिक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह, अपर जिलाधिकारी विधान जायसवाल, बलराम सिंह, DDO, PD सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जो जिन्हें प्रति चालक प्रति है, ये वो प्रथम बने जो डीओ साहब, डीओ फाइव साहब का टेबल है। बहुत ही तसल्ली से, कोई जल्दबाजी मत करना। जो भी तुम्हारे पास 50 लोग आएंगे, इसका वेग भी एक आदमी का स्कोर दे जाएगा। सोचना हम ये सर एक दिन बीच बीच में काम कर रही है और आपको जल्दबाजी होनी चाहिए ना। एक चीज सबसे बढ़िया सीख सिखाने में जल्दबाजी में करना। जब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो आप
हाँ माई होल्ड एवरीथिंग, उसके बाद छोड़िएगा कहीं से एडल करेगा ना जाके पोलिंग बूथ से ट्रेस वगैरह कहाँ से उसने सीखा प्लीज डोंट डू इट, कोई जल्दबाजी आप भी ना करें, पूरा डेडिकेशन से काम करें, जैसे कोई भी कर रही है और आपको इस बात के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए कि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया का एक भाग है कमरे में रखो नीचे नहीं इसको लेके चलो नीचे हम बता यहाँ पे भी स्पीकर नहीं जी नहीं वो सिस्टम नहीं है सर इसी से काम चलेगा इसी से हम लोग काम चला रहे हैं सेम फैमिलीज एंड सेम सोसाइटी